सो फैमिली, आपका स्वागत है मेरे चैनल पे और मेरा नाम है दीपांकर कांडपाल और आप लोग देख रहे हैं मेरा चैनल वाइंस कर। डायरेक्ट चलते हैं वीडियो की तरफ। रेसलमेनिया बैलेंस फाइनली हो चुका है ओवर। क्या रहे इसके रिजल्ट्स, कैसा है पीपीवी था? तो गाइस हमें किक ऑफ मैच में देखने को मिलता है सेमस वर्सेस रिकोसिया का मैच होता है यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप। प्लान डब्ल्यूडब्ल्यूई कब बुक कर देती भाई ये मैचेस, तो इसमें भाई क्लियर कट सेमस जीत जाते हैं और लास्ट में रिकोसिया सेमस पे अटैक भी कर देते हैं। लेकिन गाइस मैच के विनर हो जाते हैं सेमस और रिटर्न कर लेते हैं अपना टाइटल। आ जाते हैं मेन शो की तरफ। जो स्टार्टिंग मैच हमें देखने को मिला वो था रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए ऑस्का वर्सेस रिया रिपली वर्सेस शार्लोट फ्लेयर के बीच में। और गाइस इस मैच में मतलब हमें बहुत ज़्यादा अच्छी रेसलिंग देखने को मिली, बहुत अच्छे मूव्स देखने को मिले। तीनों रेसलर्स ने बहुत ज़्यादा बढ़िया रेसलिंग दिखाई हमें। और गाइस का रिजल्ट कुछ ऐसा निकलता है, शार्लोट फ्लेयर ऑस्का को बिग बूट लगाती है, रिया रिपली अटैक करती है, शार्लोट फ्लेयर जाती है बाहर, रिया रिपली लगाती है ऑस्का को अपना फिनिशर और उन्होंने रिटेन कर ली अपनी रॉ वुमेन्स चैंपियनशिप। लास्ट में शार्लोट फ्लेयर रिया रिपली के टाइटल की तरफ पोज भी कर रही होती है। और यह जो आता है अगला मैच, जो आता है टैग टीम चैंपियनशिप के लिए स्मैकडाउन की ओर गाइस ये था मिस्टीरियोस वर्सेस डर्टी डॉग्स। में गाइस डोमिनिक मिस्टीरियो को पहले अटैक कर देते हैं गाइस, लेकिन वो बाद में आ जाते हैं गाइस। मतलब पहले रे मिस्टीरियो अकेले लड़ लेते हैं लेकिन बाद में फिर डोमिनिक मिस्टीरियो आते हैं और गाइस 619 लगता है। डोमिनिक मिस्टीरियो लगाते हैं ऊपर से स्प्लैश एंड योर न्यू स्मैकडाउन टैग टीम चैंपियन आ रहे हैं। मतलब गाइस मिस्टीरियोस बन गए न्यू स्मैकडाउन के टैग टीम चैंपियन। गाइस अगला मैच जो हमारा आता है वो था गाइस मिज वर्सेस डेमन प्रीस्ट के बीच में एक लंबरजैक मैच। मतलब इसमें कोई इंटरेस्टिंग बात ये लगी कि भाई ज़ॉम्बी आए थे, मतलब गाइस लंबरजैक में मतलब कोई सुपरस्टार नहीं थे, ज़ॉम्बीज थे जो कि गाइस बहुत तगड़ा लग रहा था। मिज बाहर जा रहे थे भाई, उनको देख रहे थे, पेल रहे थे। मतलब गाइस बढ़िया मैच था ये बहुत, मतलब कहूंगा रेसलिंग भी सही थी इसमें, लेकिन जो ज़ॉम्बी वाला ये थी बहुत तगड़ी थी और इसमें गाइस डेमन प्रीस्ट जीत गए। अब गाइस हम लोग आ जाते हैं अगले मैच की तरफ जो कि था बेली वर्सेस बियांका बेलेयर फॉर द रॉ नो फॉर द स्मैकडाउन वुमेन चैंपियनशिप। और गाइस यहां पे रेसलिंग हमें बहुत ज़्यादा तगड़ी देखने को मिली। मतलब गाइस इसमें बहुत तगड़े तगड़े मूव्स थे गाइस। मतलब बाहर भाई यहाँ सुप्लेक्स पड़ रहा है, क्या क्या, मतलब इसमें बहुत सारी तगड़ी तगड़ी चीज़ें देखने को मिली। और गाइस बार बार बेली उनकी चुटिया खींच रही थी और लास्ट में उसी चुटिया ने एडवांटेज दिलाया बियांका बेलेयर को, उन्होंने पिन कर लिया बेली को रोल अप पिन के सहारे और रिटेन कर गई अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप। अगला मैच हमें देखने को मिलता है फॉर द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप, ड्रू मैकइंटायर वर्सेस ब्रॉन स्ट्रोमन वर्सेस बॉबी लेस्ली। मैंने इसका रिजल्ट आपको पहले ही बताया था गाइस कि इसमें तो भाई बॉबी लेस्ली का जीतना है, लेकिन भाई इस मैच की रेसलिंग में ना भाई आपको मतलब बहुत तगड़ी रेसलिंग थी इस मैच में। भाई बॉबी लेस्ली को एक बार कहाँ फेंक देते हैं भाई, और वो जब बॉबी लेस्ली और ड्रू मैकइंटायर सुप्लेक्स लगाते हैं भाई ब्रॉन स्ट्रोमन को, बॉबी लेस्ली को मतलब एक बार भाई स्टेज के पार फेंक देते हैं। होता नहीं बॉबी लेस्ली आउट, ड्रू मैकइंटायर और ब्रॉन स्ट्रोमन लड़ रहे हैं भाई अकेले लड़ रहे हैं रिंग में। और गाइस यहाँ पे ड्रू मैकइंटायर को क्लेम और भी लगाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को, लेकिन गाइस यहाँ पे आ जाते हैं बॉबी लेस्ली, उन्हें बाहर फेंकते हैं, लगाते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन को स्पेयर 1 2 3 एंड बॉबी लेस्ली रिटेन्स द डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप। गाइस अब हम लोग आ जाते हैं अपने मेन इवेंट में जो भाई, जो कि मतलब रोमन रेंज भाई क्लीन कट जीते हैं विदाउट हेल्प ऑफ जे उसो या किसी भी बंदे के, ऐसे क्लीन जीते हैं रोमन रेंज, क्लीन हराया उन्होंने फिनिशर दिया सिजारो को भाई, अपने स्लीपर होल्ड जो भी देते हैं उसमें फंसाया सिजारो भाई वो हो गए। और भाई मैं कहूँगा भाई सिजारो की तो आज भाई दिन ख़राब था, क्योंकि जिमी उसे आते हैं वो माला बनाते हैं रोमन रेंज को, वो पेलना शुरू कर देते हैं सिजारो को, सुपर किक लगाते हैं, पेलते हैं। उसके बाद आते हैं सेथ रॉलिंस, वो मजा करके भाई कोट वोट पहन के आते हैं और भाई खड़ा हो जाते हैं रोमन रेंज के सामने। रोमन रेंज को समझ में नहीं आता भाई ये बंदा कर क्या रहा है। उसके बाद भाई सेथ रॉलिंस सिजारो पे अटैक करते हैं, कभी हाथ पे अटैक कर रहे हैं गाइस, हाथ पे चेयर लगा के अटैक किया। आज लगता है भाई सिजारो की किस्मत बढ़िया नहीं थी, इसलिए भाई सिजारो का इतना पिलान हो गया भाई दो तीन बंदों से। लेकिन चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ ही मेरे वीडियो को शेयर करो और बेल वाला आइकन को प्रेस करना मत भूलना। एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।